हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह हमारे घर आए सांप और हमें उठा दिया। तो माँ रोटी बना रही थी और माँ ने देखा पहले। और हम जा रहे हैं अभी मापसा और श्री शाय का अपने काम के लिए। मुझे वो मापसा छोड़ेगा और वो जाएगा दोना पाल जाएगा वो। और मैं अभी भी उठा हूँ और अभी ब्रश नहीं किया है, तो अभी ब्रश करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सो वी आर रेडी। और अभी हम पहले अभी मंदिर जाएंगे और फिर हम जाएंगे मापसा और श्रीश जाएगा दोना पाल। तो अभी श्रीश गाड़ी निकालेगा और हम जाएंगे। तो अभी पहले मंदिर चलते हैं तीनों। हमारे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा था कि अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो मंदिर जरूर जाना, इसलिए हम पहले मंदिर आते हैं और फिर कुछ अच्छा काम करने जाते हैं। तो पहले अभी हम मंदिर आए हैं, तो अभी भगवान के सामने हम हमारी इच्छा जाहिर करेंगे और फिर जाएंगे हमें जो अच्छा काम करने जा रहे हैं वो सफल होने के लिए। तो चलिए मंदिर में एंट्री लेते हैं। तो अभी मंदिर होके आ गए हैं और अभी जा रहे हैं। तो हमें काम करना था वो करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। पेट्रोल के लिए रुके हैं और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। 105 रुपये हो गए, 105 रुपये क्या ही बोले। दो दो दिन में पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। बैक ऑन ट्रैक। और अभी मैम पहुंच चुके हैं। तो अभी पहुंचे हैं और श्री 11:30 बजे जाएगा अपना एग्जाम्स देने, तो उसे बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और श्री शाली थोड़ा थोड़ा कैमियो कर रहा है हमारे ब्लॉग्स में, तो उसको एक नाम दिया है कैमियो वाला। तो आज से श्रीश को कैमियो वाला बुलाएंगे हम। बेस्ट ऑफ लक। किसी के लिए रुका हूँ, वो अभी तक नहीं आया और जब वो आएगा तब मैं निकलूंगा इधर से। कोल्हापुरी चीज़ गार्लिक नान, फ्राइड राइस और ये सॉस है जो हम यूज़ करेंगे। तो जस्ट अभी इधर पहुंचा हूँ कॉलेज में और अभी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, अभी जाऊँगा एग्ज़ाम देने। मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम देने के बाद। तो मेरी एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म हुई है और मेरी एग्ज़ाम 1 आवर में ख़त्म हो गई और मैं जल्दी से जल्दी बाहर आ गया क्योंकि आंसर बहुत ईजी थे और मैंने जल्दी जल्दी आंसर लिख दिए। और अभी मैं रुका हूँ मेरे दोस्त के लिए जो अभी आएगा बाहर। तो अभी मैं आया हूँ इधर दूसरा फॉर्म भरने जॉब के लिए, वो लेके आता हूँ। तो बस एग्ज़ाम देके रिफ़्रेश होने हम आए हैं बीच पे थोड़ा सा चिल करने और आइसक्रीम खाने, क्योंकि आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। और अभी हम पहुंच गए हैं मीरामार बीच। इस बीच पे लिटरली बहुत साल बाद आया हूं और बहुत अच्छा है, इधर का नज़ारा मस्त है, पसंद आया मुझे। और अभी थोड़ा इधर घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और फिर घर जाएंगे। और श्रेयस को भी कभी लाऊंगा इधर इस बीच पे, उसे भी पसंद आएगा। और इधर फोटोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, बीच घूमने भी मज़ा आता है। और मेरा दोस्त मेरे फ़ोटो निकाल रहा है, पता नहीं क्यों पागल है। और मैं अपने दोस्त जो है वो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, मालूम नहीं क्यों, लेकिन वो थोड़ा सा शाय है। सो इट्स 5:30 और श्रीश अभी तक नहीं आया, लगता है उसको टाइम लगेगा घर आने में। तो देखते हैं कब तक आता है, तब तक सो लेता हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं आ गया हूँ मापसा बाज़ार क्योंकि मुझे पीना था शेक, तो मैं जा रहा हूँ शेक पीने मेरे दोस्त के साथ। तो बैक होम और आज बहुत मज़ा आया। अभी घर पहुँचे हैं और अभी बहुत
थक भी गए हैं। श्रीश ने अपना बैग मेरे कंधों पे रख दिया और वो चला गया नहाने, तो अभी वो नहा के आएगा और फिर मैं नहाने जाऊंगा। और हमने फ्राइड राइस ऑर्डर किया है तो वो भी खाऊंगा। तो अभी भी नहाया हूँ और कल से हम नरकासुर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और नरकासुर अभी बस आज क्या तारीख है, आज 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 अभी 7 दिन है, तो थोड़ा रुक रुक के करेंगे नरकासुर। और ऐसा कुछ बड़ा प्लान नहीं है, नरकासुर नॉर्मल सा बनाएंगे, थोड़ा हाई फाई वाला नरकासुर हम नहीं बनाते, देखते हैं हाई फाई वाला बनाएंगे या ऐसा लो क्वालिटी वाला। तो हमारे नरकासुर में भी क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी खाना खाने जा रहा हूँ, और तो आज माँ ने कुछ स्पेशल बनाया है तो वो खाएंगे, तो देख लो आप। आज डिनर में है चिकन कोल्हापुरी और 2 रोटी। आज माँ ने स्पेशली चिकन कोल्हापुरी बनाया है, तो चलो टेस्ट करते हैं और बहुत प्यार से खाते हैं। तो अभी भी यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड किया है, तो आज माँ के हाथ का बना हुआ चिकन कोल्हापुरी खा के पेट बहुत सुस्त हो गया है। और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।